नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मील शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक पे। तो मिले अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। चाय का टाइम हो गया है, चाय का कप ले लीजिए हाथ में और सुनिए कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आज किस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, आज मैं आपको बताऊँगी जो बच्चेदानी में जो गांठ होती है, जो रसोड़ी जो कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, फाइब्रॉइड फाइब्रोएडिनोमा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या होता है फाइब्रॉइड या फाइब्रोएडिनोमा, क्या होता है ये? यूट्रस में जो ये गांठ है ये बहुत ही कॉमन है, जैसा कि रिप्रोडक्टिव एज में देखी जाती है। 15 से 45 साल की उम्र की औरतों में ये चीज़ अपने को देखने को मिल सकती है और ये इतनी कॉमन है कि 80% ऑफ वुमेंस में आपको फाइब्रॉइड मिल सकता है, छोटे से लेके बड़े तक का। तो क्या होता है ये फाइब्रॉइड, क्या होता है, कैसे पता चलता है, इसके क्या क्या कॉज होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कब आपको गायनेक को विज़िट करना चाहिए, इसके बारे में आज अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो फाइब्रॉइड क्या है, जो अपने यूट्रस है, जो अपनी बच्चेदानी है, उसकी मसल का जो प्रोलीफरेशन होता है उससे एक गांठ बन जाती है, उसको अपन कहते हैं फाइब्रॉइड। तो ये बहुत ही कॉमन है, बनाइन है, ये ट्यूमर नहीं है, इससे कैंसर का कोई खतरा नहीं है, फैलने वाली ये चीज़ नहीं है, सबसे पहली बात ये। और इसकी जो यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, जो तीन लेयर्स होती हैं, इसके नंबर अलग हो सकते हैं, गांठ का नंबर, गांठ की साइज़, इस पर डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो जैसे जो अगर सबसे अंदर वाली लेयर में यूट्रस की कैविटी में अगर ये है तो अपन उसको कहेंगे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, अगर वो मसल लेयर के अंदर है तो अपन उसको कहेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और अगर वो बाहर की लेयर पर है तो अपन उसको कहते हैं सब सिरोजल फाइब्रॉइड। अब ये इनको अलग अलग लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जहाँ जो पोजीशन होगी उसके सिम्टम्स जो हैं, जो पेशेंट में तकलीफ सामने दिख के आएगी, वो इसी के हिसाब से होती है। तो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड की वजह से या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट को, पीरियड्स जो आते हैं उसमें हैवी फ्लो हो सकता है, क्लॉट्स बन बन के गिर सकते हैं, पीरियड्स के बीच बीच में भी ब्लीडिंग आ सकती है, पीरियड आपको लंबा चल सकता है, 10-10 दिन तक ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग होना, या 15-15 दिन में आपको पीरियड वापस से आ जाना, ये सब सिम्टम्स आपको इंट्राम्यूरल या सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड की वजह से देखने को मिलते हैं। फिर जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड, जो मैंने बताया कि बाहर की लेयर पे जो फाइब्रॉइड होता है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ अगर बड़ी है तो प्रेशर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। प्रेशर सिम्टम्स मतलब कि दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, वो दर्द आपके थाइस तक जाना, और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है तो जैसे आगे यूट्रस के आगे पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर होता है, तो वहाँ पे जब गांठ जोर देगी तो आपका पेशाब रुक सकता है, पेशाब करने में आपको दिक्कत हो सकती है। बच्चेदानी के पीछे आपकी लैट्रिन की थैली होती है, तो अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है फाइब्रॉइड का, तो वो रेक्टम पर प्रेशर देता है, साइज़ बढ़ने की वजह से रेक्टम पर प्रेशर देगा, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। तो ये जो जो लोकेशन है उसके हिसाब से ये सिम्टम्स आपके सामने बन के आते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव एज है आपकी, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक कारण कई बार ये भी होता है कि जो फाइब्रॉइड, जो कैविटी में अगर फाइब्रॉइड पड़ा है तो वो कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम करेगा, और अगर कंसीव हो गया है तो एबॉर्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो फाइब्रॉइड है वो उस जगह को कवर करके रखता है। तो एक ये वाला भी इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकता है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं फाइब्रॉइड के, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, और देखिए ये क्या होता है, ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से फाइब्रॉइड होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का राइज हो जाना, जैसे कि प्रेगनेंसी है तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि इसका प्रोलीफरेशन होता है,
मसल का प्रोलिफरेशन होता है और तो प्रेगनेंसी में आपको ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी में इसकी साइज़ भी बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको फाइब्रॉयड है तो ये दिमाग में रखिए कि फाइब्रॉयड की साइज़ भी बढ़ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपने लंबा ओसिपल्स लिया है तो वन ऑफ द कॉज ये हो सकता है कि आपको फाइब्रॉयड बन जाए या फिर उसकी साइज़ बढ़ जाए, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। आजकल की जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे कि लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ डाइट्री फैक्टर्स हैं, कुछ पोल्यूशन है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये चीज़ें होती हैं ये आपके एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं उनको ही मिमिक करती है और वहाँ पर जाके अटैच हो जाती है। तो इसकी वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी यूट्रस की मसल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है और ये फाइब्रॉयड हो सकता है। डाइट्री हैबिट्स कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और उसकी वजह से भी आपको फाइब्रॉयड हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई कि इसमें जो मेजर कॉज है वो हार्मोनल कॉज है आपके फाइब्रॉयड्स के बनने का। मैंने आपको इतने सिम्टम्स बता दिए हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को देखे विजिट करना चाहिए, वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। कई बार तो हमें ओपीडी में ऐसे देखने को मिल जाता है, जैसे पेशेंट आती है तो 7 मंथ की जैसे प्रेगनेंसी हो, कई बार ऐसा लगता है इतना फाइब्रॉयड आता है, अम्बिलिकस के ऊपर तक का फाइब्रॉयड उसको रहता है। इतना अजीब लगता है कि क्यों लेडीज़ आप खुद के लिए इतनी नेग्लिजेंट हैं, क्यों वो अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती हैं। मतलब इतना बड़ा फाइब्रॉयड हो गया और आपको पता तक नहीं चला। ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा वजन तो फील होने ही लग जाता है अपने पेट में। इतने बड़े बड़े, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा वीडियोज़ में या न्यूज़पेपर्स में कि इतने किलो की गांठ निकाली, इतने सेंटीमीटर की गांठ निकाली, तो उतने किलो तक पहुँचने ही क्यों देती हैं औरतें उस गांठ को। मतलब ऐसा नहीं है ना कि 10 किलो की गांठ होगी तो ही आपको पता चलेगा। जब बच्चा 3 किलो का 2.5 किलो का अपने पेट में होता है, अपने को उसका वजन भी फील होता है, तो गांठ 10 किलो की हो गई, 5 किलो की हो गई, आपको पता तक नहीं चला। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, चलेंगे दिखाएंगे, एक बार ये कर लेते हैं, एक बार ये काम निपटा लेते हैं, फिर दिखाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप औरत हैं, आपके भरोसे आपका घर चल रहा है, आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ टाइम पर दिखाइए। खुद की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नेग्लिजेंट मत होइए। आपकी हेल्थ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस है फॉर योर फैमिली फ्यूचर। आपका आपके बच्चों का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो ही आप उनकी अच्छे से केयर कर पाएंगी। तो प्लीज़ टाइम पर दिखाइए गायनेकोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो अब जैसे अब पहला सवाल यही आता है पेशेंट का, तो मैडम ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, ऑपरेशन, हर गांठ का इलाज ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे हम सोनोग्राफी करके देखते हैं, उसमें देखेंगे गांठ की साइज़ वगैरह क्या है। और सबसे पहली बात कि गांठ है तो है, सिम्टोमेटिक है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2 या 3 सेंटीमीटर की गांठ है लेकिन आपको कोई सिम्टम ही नहीं है, आपको कोई ब्लीडिंग ही नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, पहली बात तो इतनी सी गांठ आपके दर्द नहीं करेगी। कोई भी एब्डोमिनल या पेल्विक पेन आपके 2-3 सेंटीमीटर की गांठ की वजह से नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर उसकी पोजिशन सब सिरोजल है या फिर इंट्राम्यूरल है तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात ये दिमाग से निकालिए कि गांठ है ना, गांठ मतलब कि ओहो मेरे तो गांठ हो गई है, मेरे तो गांठ हो गई है। तो गांठ सिंपल सी है, आप पहले डॉक्टर की बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि ये गांठ है तो ये ऑपरेट ही होगी। क्या होता है, जब मेनोपॉज होता है 45 ईयर्स की एज, 45 to 55 की रेंज में जब आपके हार्मोन्स अपने आप रिग्रेस होना चालू कर देंगे तो गांठ भी रिग्रेस होना चालू कर देगी। दूसरी बात ये, जब भी आप बताएंगे कि आपको गांठ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 2 महीने में कोई ना कोई दवा लेके सोनोग्राफी करा के देखें कि चलो गांठ कम हुई या नहीं हुई। कम होने के लिए कुछ टैबलेट्स हैं मार्केट में, लेकिन ये गांठ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी। पेशेंट्स का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 2 महीने बाद में अपने आप ही सोनोग्राफी करा के आ जाते हैं कि मैडम वो गांठ थी वो देखी, वो ख़त्म हुई या नहीं हुई, अब की बार मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी, अब की बार मैंने होम्योपैथिक दवाई ली थी, चूर्ण आता है, पाउडर आता है, वो लेके देखा था,
तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी दवा लेने से वो गांठ ज़ीरो हो जाएगी, गांठ ज़ीरो नहीं होगी। ये हार्मोनल इफ़ेक्ट के कारण है। जब आपका मेनोपॉज आएगा, हार्मोन्स अपने आप रिग्रेस होंगे, आपकी गांठ अपने आप रिग्रेस हो जाएगी। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या आता है, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन एगोनिस्ट आते हैं, जैसे कि मिफेप्रिस्टोन आता है, ये दिया जाता है। फिर प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स आते हैं, जैसे कि यूलिप्रस्टाल आता है, ये भी यूज़ करते हैं अपन। इसमें GnRH एगोनिस्ट आता है, जैसे कि ल्यूप्रोलाइड एसिटेट आता है, तो ये भी अपन इस वाली गांठ में अपन फाइब्रॉइड्स में यूज़ करके देख सकते हैं। अब जैसे पेशेंट आई है, वो कहती है कि मुझे ब्लीडिंग होती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है, तो उसके लिए क्या आपकी एज के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि ओसिपल्स दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो अपन ये सिम्टोमेटिक आपको प्रॉब्लम है, अगर उसमें चलिए गांठ भी आती है, अगर आपकी 2 to 3 centimeter, 1 to 2 centimeter की छोटी सी गांठ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को मतलब मन ही नहीं करता है, अगर पेशेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन उसने कोई वेग सोनोग्राफी करवाई है फॉर सम एब्डोमिनल पेन, और उसमें आपके आ गई है मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर की आपको गांठ आ गई है, तो कई बार तो मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं पेशेंट को बताऊं कि तुम्हारे गांठ है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है, उसके इन्फॉर्म में लाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। नहीं तो 1.5 या 1 सेंटीमीटर की गांठ आपको कुछ भी सिम्टम नहीं देती है, अनलेस उसकी पोजिशन म्यूकोजल ना हो, इंट्राम्यूरल ना हो, तो ब्लीडिंग सिम्टम्स ना आए। कई बार वो ब्लीडिंग सिम्टम्स भी नहीं करती है, वो सिर्फ पड़ी रहती है, लेकिन पेशेंट को बताने के बाद क्या हो जाता है, वही जो मैंने बोला था, पेशेंट दिमाग में ले लेती है मेरे तो गांठ है, घर पे जाके शायद 2 महीने वो खाना ही खाना छोड़ दे कि मेरे तो गांठ है। कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, उनके फिट ही नहीं होता है कि ये एक सिंपल गांठ है, ये एक सादी गांठ है, ये बहुत बार उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। तो अभी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं इसको बताऊँ ही नहीं कि इसके गांठ है, लेकिन क्या करें, बताना ज़रूरी है, क्योंकि 4 जगह सोनोग्राफी दिखाओगे, वो घर ले जाके 4 लोगों से पूछोगे, तो फिर कोई ना कोई आपको कहेगा कि गांठ है, फिर यही कहोगे कि लो हमें तो मैडम ने बताया ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये वाली चीज़ है, तो अपने डॉक्टर से जिससे कंसल्ट कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं करेंगे, ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, कि मान लो कि आपने कितना भी ट्रीटमेंट ले लिया, आपके ब्लीडिंग सिम्टम्स रिलीव ही नहीं हो रहे हैं, आपकी गांठ की साइज़ ही इतनी है कि मतलब वो ठीक ही नहीं होगी, आपको प्रेशर सिम्टम्स देखने लग गई है, आपका यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, आपको कब्ज रहने लग गई है गांठ की, तो क्यों नहीं करेंगे, ऑपरेशन भी करना ही पड़ेगा, लेकिन हर गांठ का इलाज ऑपरेशन नहीं है। ये गांठ सादी गांठ होती है, ये गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गांठ में चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि डीजनरेशन होने लग जाता है, हैमरेज होने लग जाता है, तो उसके लिए अपने पास में सोनोग्राफीज हैं, MRIs हैं, सिटी स्कैन्स हैं, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि अभी कौन सी स्टेज में है आपकी गांठ, ठीक है। तो बस आज का मेरा यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मैं इस गांठ के ऊपर ही बात करना चाह रही थी। बहुत मैंने कॉमनली ये वाली चीज़ देखी है, लेडीज़ को मैंने बहुत परेशान होते हुए देखा है इसकी वजह से, तो प्लीज़ इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सादी चर्बी की गांठ है, अगर जैसे आपके कोई फोड़ा हो जाता है कहीं पे, हाथ पे, पैर पे, तो आप क्या ऐसे ही, क्या कभी भी ऐसे ही गायब हो जाता है, वो नहीं गायब होता ना, तो आप कैसे सोच लेते कि सोनोग्राफी करा के देखोगे और बच्चेदानी की गांठ आपको गायब मिलेगी। वो फोड़ा फुंसी भी आपको निकलवाना ही पड़ता है, अगर आपको दिक्कत देता है या तो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से या पेन की वजह से, तो यूट्रस में तो कॉस्मेटिक रीज़न होने से रहा, अंदर की गांठ किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए, आपका डॉक्टर आपको सही एडवाइस देगा अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, ठीक है। धन्यवाद, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।